तो भाई ये बात है 30 जून 2024 की। मैं जा रहा हूँ अपनी स्कोडा स्लाविया लेने, जो मैंने दे रखी है सर्विस सेंटर में। अभी फर्स्ट सर्विस का टाइम नहीं आया है, पर वो फिर भी सर्विस के लिए गई है। सर्विस के लिए नहीं गई है वो, एक्चुअली एसी अपडेट के लिए गई है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। स्कोडा का एसी अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो गाड़ी तो वो खुद ले गए थे। लेने मुझे जाना पड़ रहा है खुद, और मैं जा रहा हूँ अभी रैपिडो से, तो रैपिडो में भी काफ़ी टाइम बाद बैठने का मौका मिल गया। ये शोरूम है मोहन कोऑपरेटिव में, सहिता विहार के पास जो है, ये स्कोडा का शोरूम है। यहाँ पे आप गाड़ी लेने आए हैं, और शोरूम आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये शोरूम है, वह शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर है। ये रेड वाली खड़ी है अपनी गाड़ी, स्कोडा स्लाविया जो है अपनी। इसका कोई अभी सर्विस का टाइम नहीं है, बस ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आई है। और ये हमारी लंबी प्यारी सेडान कितनी सुंदर लगती है। ये रेडी है, वो वॉशिंग वगैरह इन्होंने खुद कर दी है, हमने बोला नहीं था। अच्छी सर्विस है इनकी। ये बिल दिया है पर हमने भरा नहीं है, भरना भी नहीं है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल, क्या क्या काम हुआ है और क्या बिल है। पहले गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेके आपको आराम से गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। चलो, तो हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो गाड़ी मैंने अभी ले ली है, दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी मैंने ले ली, अब गाड़ी में काम बताता हूँ। काम क्या था गाड़ी में, क्या था, मैंने आप फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। एक तो ये जब से 15 लिया है इसमें स्टोरेज कम है, तो स्टोरेज फुल हो गई थी। घर में पहुंच गया हूँ, गाड़ी घर पर लेके मैं घर आ गया हूँ। तो मैं बताता हूँ मेन चीज़ हुई क्या थी गाड़ी में। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई साहब आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। आपने वैसे कपड़े चेंज देख लिए होंगे, ये दूसरा दिन है। कल मैं वीडियो बना रहा था, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, वहाँ से मैं लौट रहा था जब गाड़ी लेके आया था, जो स्टोरेज फुल हो गई थी। मैंने जब से ये फ़ोन लिया है ना, ये प्रॉब्लम रहती है, एक ही वीडियो बन पाती है, 128 GB है ये, उसके बाद फ़ोन भर जाता है। तो आज है दूसरा दिन, तो मैं आपको कल ये बता रहा था गाड़ी हमने दी क्यों थी। इसमें जब से ये गाड़ी आई थी ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भैया को शिकायत आ रही थी कि एसी की कूलिंग कम है और वेंटिलेटेड सीट्स भी शायद तो काम नहीं कर रही। कूलिंग कम थी, काम तो कर रही थी, कूलिंग कम थी। अब जैसे ना मैंने अभी एसी बंद कर रखा है, आपको हल्की सी नॉइज आ रही होगी, वेंटिलेटेड सीटों की है, सिर्फ अभी वेंटिलेटेड सीटों की, क्योंकि मैंने मेन एसी बंद कर रखा, क्योंकि फिर ब्लोअर ब्लास्ट की आवाज़ आती है कैमरे में। तो मेन चीज़ क्या थी, हमने गाड़ी दी थी इसकी, हमने जब स्कोडा में बात करी इसकी कि भाई कूलिंग कम है एसी की, तो उन्होंने बताया कि ये जर्मन गाड़ियों की, जब से ये स्लाविया आई है, जब से ये गाड़ी आई है इंडिया में स्लाविया, तो ये जो इनके एसी सेट है जर्मन के अकॉर्डिंगली सेट है, तो ये हर गाड़ी का, मतलब हर नई गाड़ी का एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए सर्विस सेंटर जाती है ये गाड़ी। आप क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, एक और चीज़ मैंने अभी नई नोटिस करी है कल परसों में, तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो ये एक बार ये एसी अपडेट होने के लिए ये जाती है आपका सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर में कोई बिल नहीं बनता, फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट है ये, जिसमें इसका एसी अपडेट होता है और छोटे मोटे बग्स हैं वो क्लियर होते हैं, जो हर नई गाड़ी जाती है। तो ये कल वहाँ गई हुई थी, तो मैं कल मैंने वहाँ दे रखी थी ये गाड़ी, तो वहाँ से लेके आ रहा था मैं कल गाड़ी अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। अब इसका कोई पैसे नहीं है, 141 रुपीज़ के एक बिल बना था, जो कि हमने पे नहीं किया, वो जान पहचान का बंदा था शोरूम वाला, और क्लीनिंग वगैरह उन्होंने फ्री में कर दी, वॉशिंग कर दी गाड़ी की फ्री में। ये मुझे थोड़ी सर्विस अच्छी लगी। और एक और चीज़ मैंने जो कल नोटिस करी है गाड़ी में, मैंने इसका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो होता है, जो ऑन गाड़ियों में होता है, इसमें फील ही नहीं होता। इसके एसी भी ऑन रहता है, जैसे अगर मैं हेडलाइट वगैरह पे ब्रेक इसके ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, तो गाड़ी अपना बंद हो जाती है, जैसे ही छोड़ूंगा थोड़ी देर में झटके से नहीं अपना स्मूथली चलनी स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, और फील भी नहीं होता कि गाड़ी बंद हुई है। लेकिन कल बिल्कुल गाने वाने बंद थे, तो मैंने फील किया कि ये इसमें ऑटो स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो हाइब्रिड फंक्शन आता है और गाड़ियों में, इसका बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही प्यारा लगता है इसका मुझे। बाकी एक बार मैं बिल दिखा देता हूँ आपको कल क्या बिल बनाए। और सिर्फ इन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, काफ़ी चीज़ें और देखी हैं, जो छोटे मोटे बोल्ट वगैरह लूज हो रहे होंगे उन्होंने खुद ही देख लिया, कोई सर्विस नहीं थी, और सॉफ्टवेयर अपडेट पर इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है, वो सब चीज़ें उन्होंने खुद ही कर दी। बाकी आज एक दूसरा दिन है आज हमारा, ये थोड़ा आज जा रहे हैं घूमने के लिए। बाकी एक बार मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो जो अभी मैं दिखा रहा था ना आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, तो ये वाला बटन है इसका, ये वाला, इसका हम इसको ऑफ कर सकते हैं, तो गाड़ी आपकी ब्रेक वगैरह, मतलब ब्रेक दबाने पे जो उस पर बंद होती है ना रेड लाइट पे, वो बंद नहीं होगी। बाकी ऑप्शन वैसे फीचर अच्छा है, और ये अगर जब भी आप गाड़ी बंद करो, अगर आपने इसको ऑफ भी कर रखा है और गाड़ी अगली बार आप इसको ऑन करोगे तो ये दोबारा अपना आप ऑन हो जाता है, तो हर बार ऑफ करना पड़ता है। पर सही है, मैं ऑफ नहीं करता हूँ इसे, क्योंकि पेट्रोल सेव होता है। बाकी एक बार यार गर्व वो दिखा जो बिल आया था, एक बार बिल्कुल कल वाला बिल दिखाते, सबसे ऊपर रखा है इसका है कुछ सर्विस दिखा, एक बार दिखाइयो। हाँ रुक, ये सब चीज़ें एक बार आप स्टॉप पॉज करके देख लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना क्या चीज़ें बनी है। वैसे एक और फायदा है इसका वेंटिलेटेड सीटों का, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें विंड नॉइस आती है,
तो इसको हम बंद भी कर देंगे तो पसीने नहीं आ रहे, गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि ये वाली इसके ऑन है। और जब से ये करवाया है, अपडेट करवाया है, काफी फर्क है। फील देखो, फील हो रहा है फर्क इसमें? नहीं, हाँ। नहीं बोल रहा है यार। हाँ, नहीं फील तो हो रहा है। पहले पहले थोड़ा सी कूलिंग कम थी ना इसकी। हाँ। तो यहाँ पे 60 की लिमिट है और 60 तो ये ऐसे पहुंच रही है ऐसे। ओहो डायरेक्ट किड्जेनिया जाएगा या पहले कुछ खाएगा? किड्जेनिया में जाके खुद बनाऊंगा और खुद ही खाऊंगा। वो क्या होता है भाई? वहाँ पे जॉब करके खुद खाना बना के खुद खाना होता है। मतलब कि जैसे हमें पिज्जा की जॉब मिली है तो पिज्जा बेस दे देंगे, उसके ऊपर जो टॉपिक्स लगानी है वो लगा के खुद कस्टमाइज करके बना लो। किस टाइप की दुनिया है भाई ये? गेमिंग जोन तो हम भी जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। असली का पिज्जा? हाँ। चलो देखते हैं। ये जीआईपी वाला किट से नहीं है ये ना? हाँ। यो कितनी बड़ी लगती है यार ये गाड़ी, कितनी लंबी है देखियो। ये इनकी बच्चों की दुनिया का अलग सा इन्होंने बोर्डिंग पास दिए हैं। दो बोर्डिंग पास हैं, एक मेरा और इसका, और एक चेक भी दिया है 50 रुपये का। ये इनकी करेंसी है, ये बोर्डिंग पास है दोनों। ये दोनों चीज़ें लेके, एक बच्चे का, एक एडल्ट का, और ये एक वॉच दी है। अगर ये गर्भ खो जाता है तो मैं इसे ढूंढ लूँगा। और ये इसकी है, चले क्या है यार ये अलग ही ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं हम। क्या करना है? बैंक ढूंढना है? क्यों? अच्छा ये चेक डालना है ये वाला 50 रुपये का, उससे क्या मिलेगा? ये तो अलग ही दुनिया बसा रहा है। कहाँ है? हैं? कहाँ है? IDFC बैंक कहाँ दिख रहा है भाई? बाइक का शोरूम भी है तो। अच्छा IDFC बैंक, आओ मेरा नाम। बैंक में क्या मिला? कितने मिले? 20-30। अच्छा 50। कौन सी करेंसी है ये? क्या ड्रामा है यार। चल यार, अपना पेट्रोल पंप भी है इस दुनिया का यार। अलग ही दुनिया बसा रखी है यहाँ पे। रेसिंग ट्रैक, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर स्टेशन, सब कुछ है यार। तुम्हें तो 4-व्हीलर लाइसेंस मिला ही नहीं। इनकी 4-व्हीलर खराब पड़े मिलेंगे। ये देखो चाइल्ड लेबर, हमारे बच्चों से पैसा भी लेंगे और काम भी करवाएंगे। अब ओरिजिनल है DHL का। अलग ही दुनिया है यार, देखो कितनी सही है। वैसे बच्चों के लिए सही बसा रखी है, सब कुछ है यहाँ पे। ये हो गया हमारा बच्चा तैयार दिहाड़ी के लिए। अब ये कुरियर करेगा, DHL के पार्सल डिलीवर करेगा यहाँ पे, लिटरली बिल्कुल करेगा सच में, और दिहाड़ी कमाएगा यहाँ पे खर्चा करने की। बच्चों से मजदूरी करके पैसा कमवा रहा हूँ आज यार। मैं तो इन बड़ों का सोच रहा हूँ, इनको हंसी नहीं आती है काम करते हुए, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं बिल्कुल सीरियसली। मैं होता था यार बड़ी हंसी आती, ये बच्चों के खेल में पूरा साथ दे रहे हैं। देखो ये पार्सल वगैरह डिलीवर करने आए यहाँ पे स्टोर पे, अभी इनको शायद 3 मिले हैं टोटल बॉक्स। ये देखो बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है, ये बच्चा यहाँ पे शायद कस्टमर बना हुआ है इस टाइम। अलग दुनिया बजा रखी है, सही है यार। ये इसका शायद सेकंड, एक और बचा है ना इसके बाद। ये मजदूरी कर कितने सीरियसली रहे हैं बच्चे, पूरे शिद्दत से दिल से काम कर रहे हैं। और यही जब बड़े होकर काम करना पड़ेगा ना इन्हें, तब मौत आएगी। और ये है बच्चों की दुनिया का सुप्रीम कोर्ट, अपना कोर्ट बना रखा है, कोई लफड़ा हो गया तो। अगर ये इनकी दुनिया का जेल है, अगर कोई बच्चा लफड़ा करता है तो यहाँ पे जमा कर दिया जाएगा। कमाई कितने कमाई? 15 रुपये मिले बस। अब कितने हो गए हमारे पास? 65 हो गए। आ जाओ। तो गर्भ ने DHL पे काम करके कितने कमाए? 15 रुपये। हम लाए थे 50 रुपये, अब हो गए 65। अब
कुछ इंटरेस्ट नहीं था सर। नहीं, अगर पैसे खत्म हो जाए लाइसेंस वगैरह लेने में तो कोई तरीका नहीं है कमाने का? यहाँ ड्रग्स वगैरह नहीं बिकते इस सिटी में? ऐसे मिल जाएगा लाइसेंस? हैं, अच्छा है वॉशरूम बच्चों वाला नहीं है। बन गया? क्या? बन गया लाइसेंस? अब क्या होगा इससे? चलो गर्व अपना दुनियादारी सीख गया, पैसे वाला दोस्त बना लिया है इसने, कैश ही कैश है इस बंदे पे। इसके पैसे वाले दोस्त को तो बैंक में ही काम चल रहा है बार बार, और अपना एक गरीब लाइसेंस लगा रहा है एटीएम पे। लाइसेंस कहाँ लगा रहा है उसमें? देखो इसे भेज दिया मैंने अब डोनट बनाने के लिए, ये मेरे लिए अब अंदर खाना बनाने गया है। सही मजदूरी है, बच्चे काम करते हैं, बड़े बाहर बैठ के आराम से खा सकते। लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ। क्या बना के लाया? खरीद के लाया? खुद बना के लाया? और कितने पैसे देके दिए सीखने के? 12 रुपये यहाँ के। और यहाँ से अगर कुछ लें तो इंडियन करेंसी या तुम्हारी वाली करेंसी? चल खा ले। कैसे बनाया? पहले इसके ऊपर मिल्क चॉकलेट डाली, फिर ये स्प्रिंकल्स डाले, फिर इसके ऊपर डार्क चॉकलेट डाली। सही। कितने पैसे बचे हैं अभी? लगता है कहीं इमरजेंसी हो गई है, बच्चों की सेना फायर ब्रिगेड के ट्रक में और एम्बुलेंस में भर के जा रहे हैं, पता नहीं किसको बचाने। चलो गर्व चलाएगा बाइक, यहाँ पे दो ही बाइक हैं, कार इनकी टू फोर व्हीलर जो है ख़राब पड़े हैं सारे। वैसे इन बच्चों का तो सही है, बाकी क्या बड़े लोग क्या करें यहाँ पे खड़े होकर बाहर? वो तुम्हारे लिए है, अभी वॉक करना अलाउड नहीं है, जब ग्रीन हो जाएगा तब निकलना है। हॉस्पिटल इस दुनिया का, बच्चे इलाज कर रहे हैं बच्चों का। हैं, क्या हुआ यार? इन्होंने तो हद कर दी, बच्चों का एक्सचेंज स्टॉक, बच्चे पैसे, बच्चे अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अचानक यहाँ की करेंसी लेते लेते ये लड़की मांग रही है मुझसे इंडियन करेंसी 150 रुपये एक टैटू के, सबसे सस्ता वाला। अब बच्चे ने फिर से नई नौकरी पकड़ ली है, अब जीमार्ट में काम कर रहा है एज अ शायद कैशियर है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे भी कमा ज़्यादा रहा, खर्च कम कर रहा है। ये भी अपने चाचा की तरह फिर नौकरी बदल ली है इसने, अब रेडियो जॉकी बना है, इस शहर के रेडियो में जॉब लग गई इसकी। No, thank you.
150 में, इधर सामने सामने एक तो बनवाया भी तेरे से, 150 रुपये भी लिए और एक एक स्लाइस दिया। वैसे ही अच्छा है यहाँ पे, बच्चों से काम कराओ, खूब खाओ पियो, रोटी लाया, पिज़्ज़ा लाया। अब मैंने किंडर जॉय भेजा है, उसे कुछ लाएगा वहाँ से खाने के लिए। ये लगा अपना मजदूर, मेरे लिए कुछ बनाने गया है वहाँ पे, लेके आएगा भी। चलो यार हमारा हो गया, हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से, आ गए, ये आ गए एग्जिट पे, यहाँ पे अपना ये बोर्डिंग पास वगैरह देना होगा, वहीं दिखते हैं। हाँ कुछ देना है क्या? कितने बचे हैं पैसे? 15 और बचा है। ये अभी घर लेके जाएंगे इसे? सही, चलो।